दोस्तों, अच्छे एक्टर के गुणों की अगर हम और बातें करें तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि अच्छे एक्टर की सबसे बड़ा गुण, उस अगर सब हम अगर ढूंढने की कोशिश करें तो वो होता है ध्यान केंद्रित करना, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वैसे तो शक्तिमान भी कहता है कि सफलता की कुंजी है, हम लेकिन मैं भी ये कहूंगा कि एक्टर के लिए कंसंट्रेशन और भी ज्यादा मायने रखता है। जब वो शॉट देता है उस वक्त उसके इर्द गिर्द इतने डिस्टर्बेंसेस होते हैं, आपको लगता है कि वो अकेला डायलॉग बोल रहा है, लेकिन अगर आप उसको फ्रेम को पीछे करके देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कैमरा मैन आगे है, लाइटिंग वाले लाइट मार रहे हैं, ऊपर से मार रहे हैं, कोई यहाँ बैठा हुआ है, कोई माइक पकड़ के बैठा हुआ है, उसके बीच में कैमरा चल रहा है, डायरेक्टर उसकी तरफ निगाह रखा हुआ है और उसके साथ में को आर्टिस्ट होते हैं और उसको वो देखना पड़ता है कि वो उसको ये भी देखना होता है कि कैमरा की तरफ मेरी फेसिंग भी बराबर रहे, मेरी मूवमेंट्स डायरेक्टर ने बताई है वो भी मूवमेंट्स करे। उसके ऊपर सबसे बड़ी बात होती है कि वो डायलॉग्स याद रखना। कभी कभी 3 लाइन होती है, कभी कभी 30 लाइन, कभी कभी तो डेढ़ डेढ़ ढाई ढाई पंजे के पेज के डायलॉग्स मैंने महाभारत में बोले हैं। तो कंसंट्रेशन उस वक्त एक्टर के लिए सबसे बड़ी अहमियत होती है। जो एक्टर कंसंट्रेशन कर पाएगा वो अपने सारी की चीजों को भूलकर ध्यान अपना इसी में करेगा तो डायलॉग्स भी उसको जल्दी याद होंगे। इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं जो एक बहुत पुराने एक्टर की बात है, जिसका नाम था जेम्स डी। बहुत ही टेरिफिक एक्टर था। 24 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। हार्डली 1955 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने शायद 3 फिल्में की थी। जायंट एक फिल्म थी, रेबल विदाउट कॉज एक फिल्म थी, ईस्ट ऑफ ईडन एक फिल्म थी। उनके बारे में ये मशहूर था कि अगर वो जिंदा रह जाता तो वो मार्लन ब्रांडो का भी बाप बन जाता। इतना अच्छा, इतना नेचुरल एक्टर था। मैंने उसकी किताब पढ़ी थी, उस किताब में उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं जब नया नया आया था तो लोग मुझे कहते थे कि मैं मार्लन ब्रांडो दिखता हूँ, तो मुझे कभी पसंद नहीं आया। मैं एक बार मार्लन ब्रांडो जो शूटिंग कर रहे थे, मैं उनके पास गया और मैंने इनको कहा, उन्होंने कहा यस, मैंने कहा लोग मुझे कहते हैं कि मैं आप जैसा दिखता हूँ, मार्लन ब्रांडो दिखता हूँ। तो बोले यस, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं आपकी जैसा नहीं दिखता, बोलकर चला गया। ये थी उसकी एक एरोगेंस और ये थी उसकी खुद का आत्मविश्वास। शूटिंग के दौरान पे किताब में उन्होंने लिखा था कि एक शूटिंग जब मैं करने जा रहा था, आउटडोर की शूटिंग थी और पता नहीं किस फिल्म की शूटिंग थी, और उसमें लोग पूरा गांव शायद इकट्ठा हो गया था, लोगों की भीड़ उसे डिस्टर्ब कर रही थी थोड़ी देर के लिए, उसको डायलॉग्स बोल रहे थे, लेकिन चारों तरफ इर्द गिर्द ऑडियंस खड़ी हुई थी। कुछ देर तक वो थोड़ा डिस्टर्ब रहा, फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो एक तरफ कोने में गया और सबके सामने उसने यूरिनेट किया, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही असभ्य बात थी, लेकिन उसके पीछे उसकी बात सुनिए, सबके सामने जाके उसने यूरिनेट किया और वापस आया, बोला ओके कम ऑन स्टार्ट, और उसके बाद में उसको किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। नाउ ही डिड समथिंग फ्रॉम विद इन हिमसेल्फ, अपने अंदर से उसने एक आइडिया निकाली कि टू हेल्प विद दिस क्राउड, और उसने उसके बाद में काम किया। ये मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि एक्टर को ऐसा करना चाहिए, बट एक्टर उनसे सीखे कि कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त कितना मायने रखता है। आपको अपना घर भूलना चाहिए, अपने दोस्त परिवार भूलने चाहिए, उस वक्त सामने आपके कौन सा एक्टर है, आप कौन सा डायलॉग बोल रहे हैं, उसमें अगर आप घुस जाएं तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस ऐसे निकलते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं एक दो एग्जांपल आपको दे सकता हूं। मुझे याद है मेरी पहली फिल्म थी रूही। हम चैल पैलेस शिमला के वहां शूटिंग कर रहे थे और उसमें मेरे अपोजिट जरीना थी, और मुझे याद है कि एक गाने की शूटिंग थी, एक हॉल में हमने, होटल के हॉल में हमारा गाना था जीते हैं जिसके दम पर, आई थिंक बहुत लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा। उस गाने में मैं बहुत बहुत ही दुखित होकर वो गाना गाता हूँ, और उस गाने की जब शूटिंग हो रही थी तो मुझे याद है कि जरीना जी और ये एक साथ में हीना कौशिक भी मेरे ख्याल से थी, वो दोनों उस फिल्म में काम कर रही थी, और वो सडनली आई, उन्होंने कहा देखा मैं शॉट दे रहा हूँ, बोला चलो मुकेश को डिस्टर्ब करते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने चलो कोशिश कर दी, वो बैठ गई सामने उधर जाके। उसके बाद में मैं शॉट पे रहा आधे घंटे एक घंटे में, मैंने कोई घास नहीं दी उन लोगों को और वो लोग चुपचाप उठ के कब चली गए मुझे ये भी नहीं मालूम। ये जरूरी होता है आपको एक एक्टर के लिए कि उस वक्त आपका पूरा ध्यान आपके उस शॉट में होना चाहिए।